नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देख रहा है इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संथाली प्रखंड में उपस्थित हूं और हमारे साथ इंजीनियर व समाज सेवी प्रभात कुमार जुड़ चुके हैं। और आइए जानते हैं कि यह किस प्रकार 26 जनवरी के शुभ अवसर पर अपने प्रखंड वासियों को बधाई दे रहे हैं। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, नमस्कार राजेश जी, आपको भी और आपके पूरे आर भारत टीवी चैनल को भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे रोहतास वासियों को एवं संझौली प्रखंड वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। बहुत हर्ष की बात है कि कल ही के दिन माँ सरस्वती पूजा का भी दिन है। मैं अपने तमाम प्रखंड के जितने भी हमारे छात्र हैं, नौजवान साथी हैं, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि कल जो माँ का पूजा करेंगे, वंदन करेंगे, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखते हुए पूजा का समापन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, मैं उनको भी नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा संविधान को लिखा, जिनको आज पूरा हिंदुस्तान उसकी अनुकरण कर उसी पर चल रही है। और मैं उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूँ जिनकी कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कल एक मैं सूचना देना चाहता हूं कि सरस्वती पूजा एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संझौली के के उच्च विद्यालय के खेल स्टेडियम जो है उसमें शाम 2:30 बजे से एक शानदार सद्भावना के रूप में एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें औरंगाबाद एवं रोहतास के बीच महामुकाबला होगा। मैं अपने समूचे प्रखंड वासियों से मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस मैच में शरीक होकर के मैच को देख करके मैच को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय